बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच, इसमें जो सेकंड आने वाली टीम मेरे साथ खड़े हैं, कोटला शाहकोट की टीम, मैं उनके कोच साहब फारूक साहब मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे। जी फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत मज़ा आया, टीम बहुत अच्छा खेली हमारी, बैड लक थी, आप लोगों ने देखा मैच को, एंजॉय किया माशाल्लाह, लड़के अच्छा खेले हैं और गलतियां होती हैं, इंशाल्लाह हम इन गलतियों को आइंदा से कवर करेंगे, लड़के बहुत अच्छा खेले। फारूक साहब, अक्सर ये खिलाड़ी मैंने देखा है कि जो रेफरी होते हैं ना, उनके फैसलों के ऊपर बड़ा एतराज़ करते हैं, आपके ख्याल में यहाँ के रेफरी की एम्पायरिंग कैसी थी? अंपायर जाहरी बात है बहुत अच्छे थे, नामवर रेफरी थे, को पहला मैच नहीं था उनका, तो खिलाड़ी भी कर जाते हैं गेम के अंदर, मसला मसाइल बनते रहते हैं कोई, लेकिन आज का मैच बहुत अच्छा हुआ, साफ मैच हुआ, कोई इसमें बदमजगी नहीं हुई, मुकम्मल मैच अच्छा हुआ, रेफरी का कंट्रोल और टूर्नामेंट में मैच पे तो मसला बनता ही नहीं है। आप ये फरमाइएगा कि यहाँ की जो कमेटी है, इनके इंतजाम से आप मुतमैन हैं, ये कैसे थे इनके इंतजाम? इंतजाम बहुत अच्छे हैं, हर साल टूर्नामेंट अच्छा कराते हैं, डिसिप्लिन वाइज, ग्राउंड वाइज, क्राउड वाइज, हर लिहाज से टूर्नामेंट अच्छा होता है। ये टीम खुद भी बहुत अच्छा खेलती है, डिसिप्लिन वाली टीम है, तो टूर्नामेंट सारी बात है डिसिप्लिन वाला ही होगा। जी आप कुछ बताइए अपनी टीम के बारे में, क्या कहेंगे? आप बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आपने गोल भी किए हैं, तो आज आप हार गए हैं, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी टीम अच्छी थी, लेकिन कुछ हमने गलतियां की हैं जिनकी वजह से हम आज हार गए हैं, लेकिन टीम माशाल्लाह अच्छा खेलती है, हम पहले भी दो टीम टूर्नामेंट जीते हैं, आज कुछ हमारा बैड लक था, नहीं चल सका। आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप सेकंड आए हैं। आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा कि रेफरियों के बड़े खिलाफ होते हैं अक्सर खिलाड़ी, उन पे एतराज करते हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप हार गए हैं, आपको कोई गिला शिकवा तो नहीं है? नहीं नहीं, हम मुत्तफिक हैं, हम अंपायर पे कोई गिला शिकवा नहीं हमें। ये आज के जो रेफरी थे, इन्होंने कैसी एम्पायरिंग करवाई है? बहुत अच्छी एम्पायरिंग करवाई है, कोई शक नहीं है, हमें अंपायर पे पूरा एतमाद है। गुड गुड, मतलब आप मुतमैन हैं कि इनके फैसले दुरुस्त थे? यस यस। आपको एक दफा फिर सेकंड आने की बहुत बहुत मुबारक है, कोई पैगाम देना चाहे नौजवानों को, खिलाड़ियों को? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलती है, मेहनत करें सब, और आने वाले दौर में अपना नाम बनाएं। मैं खुद भी एक आर्मी का मुलाजम हूँ, और मेरा यही पैगाम है कि मेहनत करें, आगे जाएं, पाकिस्तान के फुटबॉल को प्रमोट करें, अच्छा प्रमोट करें, जिससे हमारे पाकिस्तान का फुटबॉल अच्छा हो जाए, और जैसे हमारी क्रिकेट आगे गई है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं खिलाड़ी, और हमारा ऐसे ही फुटबॉल भी अच्छा हो जाए। जी आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान साहब के लिए बहुत सारा तालियां, मेरे साथ नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।